सुल्तानपुर में बेसहारा बच्चों को शिक्षित कर उनके भविष्य को संवारा जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल कल्याण सेवा योजना के तहत 362 बच्चों के बैंक खातों में स्कूल की फीस 2500 रुपए भेजे गए। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य अशोक कुमार यादव और निर्मला पटेल ने जनपद के अधिकारियों से संवाद कर बच्चों को दी जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कस्तूरबा गांधी महिला चिकित्सालय कंपोजिट विद्यालय पखरौली का निरीक्षण भी किया। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजनाओं का सही अनुपालन करके बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाया जाए। उनके आसपास नशे की कोई भी ऐसा चीज न बिके, चाहे वो पान मसाला के रूप में हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स में भी आजकल क्या होता है कि कई एक जो है सिरप आते हैं उसमें जो नशे का होता है, तो वो भी इसके लिए कैमरे लगाने की व्यवस्था हो रही है। और कोई भी ऐसा नशे की जो 200 मीटर के से बाद ही जिसे वाली शराब की दुकान है ये सब जो है इस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से भी या कई एक योजनाओं के तहत इनको कोशिश किया जा रहा है कि ये रुके और इसमें बहुत हद तक रुका भी है। जो भी भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए जाते हैं, देखिए कहीं कहीं गैंगवार भी गैंग लोग चला करके भिक्षाटन कराते हैं, उसमें सरकार की बहुत पैनी निगाह है और सख्त वो आदेश भी हमारे एसोसिएट मुख्यमंत्री जी द्वारा कि ऐसे बच्चे कहीं भी पाए जाते हैं तो उनको ले आइए। कुछ जैसे हम लोगों जैसे या मानिंद हमारे समाज के लोग उन बच्चों को अपने यहाँ भी ले जा रहे हैं कि अपने साथ रखे पढ़ाए लिखाए,